हिंदुस्तान की भक्ति भूमि मध्य प्रदेश पीतांबरा पीठ के नाम से विख्यात डिस्ट्रिक्ट दतिया, में प्रथम बार मुझे सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त। संसार को ज्ञान भक्ति सिखाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म के पथ पर चलने वाले श्रोता बंधु, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, हमारे साथ में आए हुए 25 संत महात्माओं की टोली और दतिया से भी बहुत से भक्त नर नारी पधारे हुए हैं। दतिया वाले हाथ ऊंचा करें जरा। दतिया ही दतिया है, नीचे करो। बहुत दिनों से आस थी कि जिनको टीवी में देखता हूँ, जिनको यूट्यूब में सुनता हूँ, उनको रूबरू देखने को कम मिलेगा। याद रखना, धरती के अंदर पानी तो है, पुरुष का दर्शन तो तब होता है जब कोई बोर करने वाला हो या कुआं खोदने वाला। गुरुदेव जी तो हैं हिंदुस्तान में, लेकिन दर्शन कब होगा? जब कोई कल्लू राम यादव बनकर, ब्रजकिशोर कुशवाहा बनकर, श्रद्धा भक्ति के साथ आकर्षित करता है, तब गुरुदेव प्रकट होते हैं और दर्शन होता है। गंगा दर्शन और गंगा स्नान की इच्छा तो बहुत नर नारियों में थी, परंतु गंगा जी को धरा धाम पर कौन लाएगा? इसके लिए भागीरथ ने तप किया था। तो उन्होंने तो अपने पूर्वजों को तारने के लिए तप किया था। 60,000 पुरखे उनके सब भस्म पड़े हुए थे। कपिल मुनि के श्राप ने मारे सगर के पुत्र। प्राचीन समय में ऐसे ऐसे संत, प्रखर संत होते थे जिनका श्राप भी काम करता था, आशीर्वाद भी काम करता था। बहुत तेज तप से पूर्ण संत का श्राप और आशीर्वाद दोनों प्रभावशाली है। लेकिन जब कोई संत श्राप देता है तो उसका तेज भी थोड़ा छीण हो जाता है, और जब आशीर्वाद देता है तो तेज में थोड़ा और चमक आ जाती है। इतना फर्क होता है। इसलिए संत श्राप बहुतों में लगा रहेगा, वो तेज ही नहीं हो जाएगा। तेजस्वी होना कोई छोटी बात नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी कुछ लोग तेजस्वी होते हैं, कुछ महिलाएं भी तेजस्वी होती है जो नियम से रहती है, और जिनका कोई नियम नहीं है वो सब नर हो नारी हो गृहस्थ हो सब तेजहीन हो जाते हैं। कुछ नेता भी तेजस्वी होते हैं, राजनीति में भी तेजस्वी लोग हैं। वो तेजस्वी की पहचान होती है कि किसी के ढर्रे में नहीं चलता है, कठिन से कठिन काम करेगा, जान पर जोखिम हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन देश के लिए कुछ फैसला ले ही लेगा, तेजस्वी है। और जिसकी वाणी ओजस्वी होती है,
वाणी में ओझ हो। आपको इतनी उम्र तक बहुत से लोग मिले हैं, लेकिन सबकी वाणी सुनने का मन नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिनकी वाणी सुनने के लिए आप इंतजार भी करते हैं। ओजस्वी वाणी है, और ओजस्वी वाणी उसी की होती है जो नंबर एक तपस्वी होता है, जिसने तप किया। और तप तीन प्रकार का होता है, तन का तप, मन का तप और वाणी का तप। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि हे कृष्ण भगवान, शरीर से तप कैसे करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भूखे रहना, प्यासे रहना, नग्न रहना, ठंडी में वस्त्र ना पहनना, गर्मियों में आग तापना, अग्निकुंड के सामने बैठना, नंगे पांव चलना, एक हाथ ऊपर खड़ा करके 12 वर्ष तक ऐसे ही खड़े रहना, एक पांव से खड़े रहना, पानी के अंदर 12 साल तक गले तक डूबे रहना, 12 साल तक भोजन न करना, क्या ये तप है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये तप नहीं है, ये अज्ञानता के कारण शरीर को दिया हुआ कष्ट है, ये तप नहीं है। महात्मा बुद्ध के बारे में सुना जाता है 12 वर्ष तक भोजन नहीं किया था बुद्ध ने, शरीर बहुत कमजोर हो गया, सूख गया बदन। राजपुत्र थे, राजा शुद्धोधन के बेटे थे, इकलौते पुत्र थे, बहुत से रोग उनके शरीर में आ गए, भोजन न करने से विक्नेश कमजोरी आ गई, आंतें सूख गई। एक दिन गया में, एक गया जो बिहार प्रदेश का तीर्थ स्थान है, गया जहाँ पर आप अपने पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए जाते हैं, उसे गया कहते हैं। गया एक शहर जैसा बस गया है, गया मतलब जो गया को गया वो हमेशा के लिए गया, बस यही बात है। तो वहां जो बुद्ध भी लास्ट में गया को गया, और वहां बुद्ध सीढ़ी उतर रहे थे तो बुद्ध गिर गया, सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिर पड़े, क्योंकि शरीर कमजोर था। बुद्ध के मुख से एक शब्द निकला था कि शरीर को जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है, और मध्यम मार्ग ही साधना का मार्ग है। देखिए कितनी एक छोटी सी खोज करने के लिए बुद्ध जैसे व्यक्ति को 12 वर्ष भूखा रहना। फिर उसको ये पता चला कि मध्यम मार्ग ही साधना का मार्ग है, यानी बहुत भोजन खाना भी साधना नहीं है, और बिल्कुल ना खाना वो भी साधना नहीं है। मध्यम का मतलब थोड़ा खाना है। बिल्कुल कपड़ा ना पहनना वो भी साधना नहीं है, और बहुत कपड़ा पहनना वो भी साधना नहीं। बिल्कुल चप्पल जूता ना पहनना वो भी साधना नहीं है, और 700 चप्पल पहनना, हर घंटे में चप्पल बदले, वो भी साधना नहीं। हमारे देश में बहुत खुराफाती लोग हो चुके हैं। एक ऐसी महिला थी जिसके पास में 700 जोड़ी चप्पल थे और 10,000 जोड़ी साड़ियां थी,
और 400 घड़ी थी हाथ में बंधी, और शादी किया नहीं था, कुमारी थी, शादी कर लेती तो न जाने क्या कर देती। शादी उसने किया नहीं या उसको कोई पति डर के मारे मिला ही नहीं होगा, क्योंकि जो उसको देखता होगा तो सोचता होगा रे बिना शादी के तो इतने नखरा, और शादी मैं अगर इसके साथ कर लूँ और मुझसे मांगे कि 20,000 साड़ी लाओ और 10,000 चप्पल लाओ तो मैं कहाँ से लाऊंगा, इसलिए इस बेवकूफ के चक्कर में पड़ो मत। कितने चप्पल बदल दो, कितने जूते मॉडल के बदल दो, लेकिन यदि अपनी जिंदगी की चाल नहीं बदला है तो चप्पल सिर पर भी लग सकते हैं, जूते सिर पर बरस सकते हैं, जिंदगी में कोई सुख शांति नहीं आ सकती। अपनी जिंदगी की चाल कब बदलोगे? कितनी महिलाएं इतनी महान हैं, उनके पास में बस 4-5 साड़ी है, उसी में काम चला लेती, और कितनी इतनी महान है कि 200-250 साड़ी तो है ही, पूरा कमरा भरा है। उसके अंदर जाती हैं तो खुद ही कंफ्यूजन में हो जाती, कौन सी पहनूं कौन सी उतारूं। 2-3 घंटे उनको सजने धजने में लग जाता है, सजनी सज के चलो ससुरे, वहां भैंसा बैठा है। ये सब नाटक में क्यों फंसे हो जाता है? कोई कपड़ों से यदि सुंदर हो जाता तो जो कपड़ा फैक्ट्री का मालिक है वो तो सब कलर के कपड़े पहन लेता। मुझे टाटा परिवार का एक व्यक्ति मिला, साधारण बुशर्ट पहने था और साधारण पैंट, तो मैंने कहा क्या परिचय है? बोले टाटा की फैमिली का पोता हूँ। तुमने कहा बहुत साधारण पहने हो। बोले इस पर ध्यान ही नहीं। तुमने कहा किस पे ध्यान है? बोले एक फैक्ट्री और नई लग जाए इस पे ध्यान है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यानी ऐसे कपड़े भी मत पहनो जो कोई तुमको पागल कहे, ऐसे भी मत पहनो फालतू कपड़ों में ही उलझे रहो। मध्यम मार्ग, 5-6 साड़ी रखो कोई हर्ज नहीं, 10 भी रख लो ठीक है, लेकिन 10,000 तो थोड़ा अति हो गया। तो बुद्ध कहते हैं जीवन को सुखद बनाने का मार्ग मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग है। लेकिन 12 वर्ष भूखे रहने के बाद बुद्ध को ये ज्ञान हुआ, परंतु ये ज्ञान पशु पक्षियों को तो अपने आप हो जाता, वो मध्यम मार्ग ही चुनते हैं। पशु पक्षी, कोई पंछी है पशु है, उसके सामने तुम खाने के लिए रख दो, अगर भूख नहीं तो नहीं खाएगा, और भूख है तो खाने के लिए वो ढूंढेगा कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लेकिन मनुष्य इसके सामने कुछ भी तुम खाने के लिए रख दो, इसकी भूख हो ना हो लेकिन एक गुलाब जामुन उठा के खा लेगा। और कभी कभी ये जिद कर देगा, भूख होगी तो भी नहीं खाएगा, भूखा बैठा रहेगा। ये मनुष्य जीवन में बड़ा उपद्रव है। कितनी बहुएं थोड़ा सा रूठ जाती हैं ससुराल में, 5-5 दिन भोजन नहीं करती है, सास ससुर को बिल्कुल भूकंप लाकर हिला देती है। घर में वही चर्चा सुबह से शाम तक होती है, बहू ने खाया नहीं खाया नहीं खाया, तो कोई पूछता क्यों नहीं खाया क्यों नहीं खाया, अरे बोले वो रूठ गई इसलिए नहीं खाया इसलिए खाया, तो मना लो फिर उसको, तो मनाने में 10-5 दिन खराब हो जाते। ये कौन बहू है? ये बहुत वैधी बहू है, बुद्धि नहीं है। अरे झट से खा लो, फट से उठ जाओ, कोई कुछ कह भी दे उसको भी सुनकर सह लो, ये छोटी छोटी बात में गाल ना फुलाया करो, नाराज ना हुआ करो, रूठा ना करो और दुखी ना हुआ करो। याद रखना दुखी होने से भी बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है, नाराज होने से बुद्धि का इंटेलिजेंस भाग कम हो जाता है, और नाराज होने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। और याद रखना
यदि किसी से ईर्ष्या करोगे तो भी बुद्धि कम हो जाएगी, और निंदा किसी की करोगे तो भी आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। निंदक की वाणी तेजहीन हो जाती है, और दूसरों को उपद्रव में फंसाने वालों का जीवन पूरा तेजहीन हो जाता है। इसलिए कृपया इस झंझट में मत पड़ो। सासू कुछ अच्छा कहे तो धन्यवाद दो, सासू कुछ बुरा भी बोल दे तुमको तो मुस्करा दो और सासू के पैर छू लो कि सासू तू धन्य है। मेरी माँ भी इतनी टाइट नहीं थी जितनी टाइट तू है, तेरे साथ में राइट हो जाऊंगी, पूरा व्हाइट हो जाऊंगी। अगर आपको कोई अनुशासन करने वाला टाइट मिल गया है और उसके अनुशासन में तुम टिक गए तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी पूरी व्हाइट हो जाएगी, राइट हो जाएगी, और जिंदगी में फिर कहीं भी कभी भी कोई कांटे नहीं बचेंगे, कांटों की राह भी फूलों की राह बन जाएगी। इसलिए माता पिता टाइट करते हैं थोड़ा सा, बच्चे बड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनका टाइट करना तुम्हारे लिए बड़ा सुखद होगा। कभी कभी सासू भी बहू को टाइट करती है, अब तो खैर कलयुग में धीरे धीरे उल्टा हो रहा है, बहुएं ही सासुओं को टाइट कर देती है। सब सासें जो है गर्दन झुकाकर शुतुरमुर्ग की तरह पड़ी है कि देवी जी बचा देना, जेल न भेज देना भाई, दहेज प्रथा मत लगा देना। बहुओं के पास में ये बड़ा खतरनाक अस्त्र है दहेज प्रथा, क्या करोगे तो? लेकिन जो महान आत्मा की बहू है, स्त्री है, नारी है, कभी अपने पति के ऊपर केस नहीं लगाती है, और समझदार पति कभी अपनी पत्नी को सताता नहीं है, उसकी चक्कर में नहीं पड़ता परेशान करे। और बुद्धिमान सासू अपनी बहू की गम पहले से खा लेती है, और ना समझ ननद बहू से टक्कर ले लेकर के संग्राम खड़ा कर देती है। और याद रखना, विवेकवान ससुर बहू को भी धन्यवाद देता है कि मेरे घर में लक्ष्मी लाडली आई है, वो जानता है मैटर बिगड़ने ना पाए, होशियार है। और याद रखना, इस दुनिया में बिल्कुल शुद्ध तो कोई मिलेगा, कुछ न कुछ त्रुटि रहती है, इसलिए थोड़ा क्षमा भी कीजिए, माफ भी कीजिए। और माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है, और गलती करने वाला अगर पुनः गलती करता है तो वो अपनी जिंदगी को ही व्यर्थ में ढकेल देता है, बर्बाद करता है। एक बार गलती हो जाए उसे गलती कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे फिर अपराध कहते हैं, और जब गलती अपराध बन जाती है तो वो दंड लेकर आती है, फिर आपको दंड भुगतना पड़ता है। गलतियां करने से आपकी प्रतिभा का हनन होता है, ये बात को ध्यान देना। जितना तुम भूल करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी आभा धूमिल होती चली जाएगी। जितना तुम सावधानी रखोगे, समझदारी रखोगे, तुम कुछ बोलो ना बोलो, कुछ कहो ना कहो, जिस सभा में पहुंच जाओगे, जहां तुम खड़े हो जाओगे, तुम्हारी तरफ हजारों आंखें मुड़ जाएंगी, लाखों कान तुमको सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, अपनी आभा को धूमिल मत होने दीजिए, अपनी प्रतिभा में कमी मत आने दीजिए, आपका प्रभाव निरंतर बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको चरित्रवान बनना आवश्यक है, गुणवान बनना आवश्यक है, और गलतियों के धरातल से ऊपर उठ जाना आवश्यक है, तो आपकी जिंदगी तेजस्वी बनेगी। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। ये कितनी महिलाएं ऐसी हैं, इनसे गलती हो जाती है तो ये चुपके चुपके रो लेती है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक शब्द ऐसा है जो अच्छे मनुष्य को भी खराब कर देता है।
दूसरा शब्द ऐसा है जो बिगड़े मनुष्य को सुधार देता है, तीसरा शब्द ऐसा है जो मनुष्य को हंसा देता है, और चौथा शब्द ऐसा है जो गलतियों में फंसा देता है, और पांचवा शब्द ऐसा है जो गुरुदेव से मिला देता है, और छठा शब्द ऐसा भी है जो हंसते हुए को भी रुला देता है। याद रखना, शब्द की शक्ति को पहचानो। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं द्रग जीव सो जीजे। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, तो क्या है, शब्द ही तो है। रामायण इतनी मोटी सी है, क्या है, शब्द ही तो है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, क्या है, शब्द ही तो है। नेता भाषण देता, क्या है, शब्द ही तो है। सुबह से शाम लेते तक तुम पति पत्नी बोलते हो, शब्द ही तो है। दुकानदार ग्राहक से बोलता, शब्द ही तो है। ग्राहक दुकानदार से बात करता, शब्द ही तो है। याद रखना, पूरा खेल बचपन से लेकर के मरने तक शब्द का ही खेल है, और जिसने शब्द बोलना सीख लिया उसका कोई काम रुकता नहीं है, और जो शब्द बोलना नहीं आता है उसका काम कभी चालू होता ही नहीं। टीचर स्कूल में क्या करता, शब्द ही तो बोलता है। पुलिस के लोग कंट्रोल करते, शब्द ही तो बोलते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, और एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तुलसीदास ने कहा है, अगर बोलने से खतरा है तो मत बोलो, फिर चुप रहो। मौन का भी महत्व है, केवल बोलने से सफलता नहीं है, मौन में भी सफलता है। मनमोहन सिंह 10 साल मौन रहे और प्रधानमंत्री बने रहे। जितना नेता है सब बड़बड़ खूब बोलता, खूब भाषण करता है, बड़ी मुश्किल से 10 साल कोई निकाल पाता है। और मनमोहन ने मौन की शक्ति को दिखा दिया कि मौन की ताकत से 10 साल ठाट से पीएम बनकर बैठा, कोई बाधा नहीं। इसलिए जो सासू बुद्धिमान है वो घर में ज्यादातर मौन रहती है, कम बोलती है, क्योंकि अब बहू आ चुकी है, अब उसको थोड़ा बोलने का मौका दो। मैं जब आश्रम पर आया तो मेरे गुरुजी ने 1 साल बाद मुझको बोलने के लिए कहा, तो मैं बोल नहीं पाता था। तो गुरुजी ने कहा, बहुत बड़ी आशा थी, इतना पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट करके आए हो, अब बोलते नहीं हो। तो मैंने कहा, बोलता क्या गुरुदेव, शर्म लगती है। तो बोले, शर्म क्यों करते हो, कोई गलत कर्म करे उसको शर्म करना चाहिए, तुम तो बहुत पवित्र हो। धीरे धीरे गुरुजी ने हमसे कहा, तुम बोल। तो जब मैं बोलने लगा तो बोलने से पहले मैं गुरुजी से बोलता था कि गुरुदेव आपको सुनाएंगे, बोले नहीं आप ही सुनाओ। साइड में छोटे गुरु संचालक साहब बैठते थे, मैं बोलता था आपको सुनाएंगे, बोले नहीं केवल तुम्हारा। सब बोल देते थे अकेले, क्योंकि गुरुजी समझ गए कि अब इनके द्वारा बुलवाना ही ठीक है, नहीं देने प्रवचन, बस कोई दर्शन करता थोड़ा बोल देते हैं, बाकी प्रवचन मेरे जिम्मे कर दिया। जो तुम्हारे घर में जिस चीज में कलाकार हो उस चीज का जिम्मेदार उसको बनाइए। अर्जुन को युद्ध का जिम्मेदार बनाया गया, नकुल को वाहन प्रबंधन का जिम्मेदार बनाया गया था, सहदेव को प्लानिंग का जिम्मेदार बनाया गया था, सहदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, भीम को भंडार का जिम्मेदार बनाया गया कि जो कुछ टमाटर और प्याज आलू कम पड़े वो लाओ तुम। तो भीम जो है पीठ पर ही 10 क्विंटल लाद लाता था, ठीक है था, उसको कोई बैलगाड़ी की जरूरत ही नहीं। और युधिष्ठिर को जो लोग आते थे उनको मिलना जुलना, समझाना बुझाना, प्रेम करना, रिसीव करना, न्याय फैसला करना, ये उनकी जिम्मेदारी में था। और द्रौपदी की जिम्मेदारी में घर की पूरी अंदर की व्यवस्था थी। काम का बंटवारा कीजिए, कार्य वितरण कीजिए, अपने घर में भी ड्यूटियों का बंटवारा कर लो। कोई काम बिगड़ेगा नहीं, सब हल्का फुल्का रहेगा, और कोई कामचोर भी नहीं बनेगा, क्योंकि सबके नाम से ड्यूटी आ गई है।
और अल्लम जल्लम में कोई काम चोर सोता ही रहेगा, करेगा नहीं कुछ। ये सिटिंग करो। और एक चीज मैं कहूं, कार्य करने से क्रोध भी कम आता है और अधिक जिम्मेदारी लेने से बुद्धि का विकास ज्यादा होता है, और फुल जिम्मेदारी लेने से बुराइयां भी बहुत कम आती है, और सबकी जिम्मेदारी लेने से ब्रह्मांड खुल जाता है। ब्रह्मांड खुलेगा, ब्रह्म ज्ञान पैदा होगा, ब्रह्म नेत्र खुल जाएंगे। जब मैंने सबकी जिम्मेदारी ले ली, मैं गुरु की भी जिम्मेदारी है, आश्रम के छोटे बड़े सब संतों की जिम्मेदारी, शिष्यों की जिम्मेदारी, गुरु भाइयों में सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और भक्तों की जिम्मेदारी, आप लोगों की भी जिम्मेदारी रखता हूँ, ख्याल रखता हूँ। ऐसा नहीं है ये ऐसे ढीलम ढाल करूंगा तो तुम्हारा प्रेम टूट जाएगा। जिम्मेदारी है, और कम से कम लाखों भक्तों के तो नाम याद रखा इसमें। जहां फोन आता बोल देता हूँ, लोकेंद्र यादव, हाँ गुरुजी, हमारे यहां से कोई नहीं आया गुरुदेव, आज उनके यहां से आया है कोई। कौन आया है? लोकेंद्र यादव के मध्यम वाला एक व्यक्ति को यहां खड़े हो, ये देखो, वाह, बड़ा सेवा सत्कार, सब सामान लाए हमारे लिए, वस्त्र चादर, बहुत भक्तों का प्रेम है। मैं जब से साधु बना तब से तो मार्केट मुझे नहीं करना पड़ा, सब भक्त ला देते, और जो ला देते उसी में हम एडजस्ट भी कर लेते हैं। ये नहीं कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, उसी में सेट, जैसा इनर ला तो वही पहन लो, बस वाइट वाइट, क्योंकि रंग बिरंगा मेरे बदन पर अच्छा नहीं लगता है। बैठो, धन्य हो तुम। तो ऐसे सब भक्तों का भी, ये जितनी ज्यादा जब मैंने जिम्मेदारी ली तो मेरा माइंड उतना ज्यादा विकसित हुआ है, ब्रह्म ज्ञान खुल गया। फिर इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जिम्मेदारियों से कतराओ मत। अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो तो टोटल जिम्मेदारी ले लो, सब कुछ अपने माथे लो, देखना आपका दिमाग कितना आगे बढ़ता है, बहुत ज्यादा हाई ब्रेन हो जाएगा। बिठाइए भक्तों को, श्री गब्बर गुप्ता जी को बिठाइए, कुर्सियां और रवि आ रही, बैठो बैठो, आए बिराजो बिराजो, बैठो बैठो, वाह देखो ये परिवार कल भी आया था आज भी आया, बहुत श्रद्धा, ताली बजा दो एक बार इनके सम्मान। बैठाओ बैठाओ, भगवान तुम्हारी गीता में, हे नाथ तुम्हारी वाणी में, हे तुलसी तेरी मानस में, हे गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू भरा हुआ, हे संत तुम्हारी वाणी में, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, हे नाथ तुम्हारी वाणी में। मध्यम मार्ग साधना का मार्ग, और मैं निवेदन करूंगा आपसे, जीवन में याद रखना, थोड़ी थोड़ी तपस्या आप सभी लोग किया करें। जिसके जीवन में तपस्या है तो वहां समस्या भी समाधान में बदल जाती है। तन का तप, मन का तप, वाणी का तप, तीन तप होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान है, स्मरण शक्ति उनकी बहुत अच्छी थी। जो लोग चिंता ज्यादा करते हैं उनकी स्मरण शक्ति, मरण से पहले ही स्मरण खत्म हो जाता है। टेंशन में जो लोग बहुत रहते हैं उनकी मेमोरी कम हो जाती है। जो ज्यादा दुखी रहते हैं उनकी भी बुद्धि कम हो जाती है।
जो तादाद से ज्यादा खाते हैं उनका तो पूरा दिमाग खत्म हो जाता है, इसलिए कम खाइए। कम खाने से मरोगे नहीं, अधिक खाने से कभी स्वस्थ रहोगे नहीं, और बिल्कुल ना खाने से जिंदा बचोगे नहीं। इसलिए थोड़ा कम खाइए, लेकिन खाइए। और ये भी याद रखना, आप अपने शरीर का अंदाज खुद लगाइए, क्या सूट करता है। डॉक्टर भी सेट नहीं कर पाएगा, तुम करो सेट। जो चीज खाने से बीमार हो जाते हो उसको मत खाओ, जो खाने से तुम्हें अच्छा लगता है तबीयत उसी को खाओ, लेकिन उसको भी कम मात्रा में खाओ, ज्यादा मात्रा में, और चबा चबा कर खाओ। तुम्हारे मुंह में दांत 32 हैं, अब किसी के 28 हो तो किस्मत वाला है और 32 होते हैं, और किसी के 34 हो जाए तो राक्षस कहते हैं इसको। अब काउंटिंग करना कितने हैं पता लगा लेना है, अभी बहुत लोगों ने तो काउंटिंग ही नहीं किया है। तो 32 दांत चिकित्सा विज्ञान कहता है कि 32 बार चबाइए तब खाइए। तो किसी ने कहा तो बहुत हो जाएगा, तो बोले 16 बार चबाओ कम से कम। बोले इतना भी ज्यादा हो जाएगा, तो बोले 8 बार तो चबाना पड़ेगा। बोले 8 बार भी ना चबाऊं तो, बोले तो डॉक्टर से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, फिर रोज दवा खाओ। क्या ये जो आपके मुंह में लार बनती है, ये लार ही अमृत है। ये लार अंदर जाकर के पूरे भोजन को पचाने का काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है लार, ये टॉनिक है। इसलिए बार बार थूकना भी नहीं चाहिए, मुंह में ला रहा है उसे घोटना चाहिए। कितने लोग दिन भर थूकते रहते हैं, जरस कुछ मुंह में लार इकट्ठा हुई थूक दिया, अरे वो अमृत आया है उसको अंदर ले जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं खांसी खखार का बलगम हो उसको भी ले जाओ, अरे उसको थूको वो अमृत नहीं वो थोड़े है अमृत, लार लार बलगम नहीं और हंसने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है, जोर से हंस दो। जोर से हंसने से डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है, जोर से हंसने से हार्ट सही काम करता है, जोर से हंसने से शुगर की बीमारी भी कंट्रोल रहती है, जोर से हंसने से प्रसन्न रहने से हमेशा खुश रहने से बीपी हमेशा ठीक रहता है, और जोर से हंसने से नींद भी अच्छी आती है। ये थोड़ा थोड़ा हंसने से कुछ नहीं होगा, दिन भर में 2-4 बार तो पूरा पेट वेट हिल जाना चाहिए। ये तो घर का लफड़ा सब लगा ही रहेगा, ये सब लोग तो कोई सुधरने वाले नहीं, आप इनकी टेंशन कहाँ तक करोगे। और झंझट कुछ न कुछ चलता रहेगा, कहीं ट्रांसफर हो जाएगा आपका, कहीं कुछ और हो जाएगा, कहीं गाड़ी थोड़ा टकरा भी जाएगी और कहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन ये चिंता छोड़ो, आप थोड़ा हंस दिया करो। अपने अपने ग्रुप में हंसो, महिलाएं महिलाओं में खूब हंसे। हाँ, सासू के साथ अगर बहू हंस दे तो घर में लक्ष्मी बरसती है, क्या बात है। बाप बेटे दोनों मिलकर हंस दें तो घर में फिर दरिद्र नहीं रह सकता है, निकल जाएगा। ज्यादातर लोग पड़ोसियों के साथ हंसते हैं, आपस में मुंह ऐंठते रहते हैं, आंखें चढ़ा कर रखते हैं, थोड़ा गाल फुला के रखते हैं। एक लड़की कह रही थी मैं तो ससुराल गई तो पूरा नरक में पड़ गई, तो मैंने कहा क्या हुआ, बोले न सासू हंसती है न जेठानी हंसती है, दोनों गल फुलवा है बोले बहुत बुरा हाल है बोली उसमें तो लगता बीमारी हो जाएंगे। तुमने कहा सासू को कुछ डील करो थोड़ा सा। मुस्कराते रहो गुनगुनाते रहो, गाइए सब गाइए दोहराइए। मुस्कराते रहो
वक्त जीवन क्यों ही निकल जाएगा, वक्त जीवन क्यों ही निकल जाएगा। मुस्कराते रहो गुनगुनाते रहो, मुस्कराते रहो, धन्य है दतिया की गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन क्यों ही निकल जाएगा, वक्त जीवन क्यों ही निकल जाएगा। एक सांसद बिहार में चुनाव हार गया, मेरी उससे बात हुई तो मैं सोचता था वो दुखी होगा, तो मैंने कहा सांसद जी आप चुनाव हार गए। बोले गुरुदेव अच्छा हुआ है, राजनीति में दौड़ते दौड़ते कमर में बहुत दर्द हो गया था और चुनाव हार गया तो 3-4 महीने में दर्द अपने आप ठीक हो गया, बड़ा सुख मिला है। तो हमने कहा सांसद होने में सुख नहीं था? बोले सांसद होने में शांति नहीं है। तो हमने कहा अब? बोले अब शांति है। तो हमने कहा तुम्हारी वाइफ? बोले वो विधायिका है। मैंने कहा तुम? बोले अगली बार हम फिर सांसद बन जाएंगे। तो हमने कहा अशांति में पड़ोगे? बोले अशांति जब तक ना मिले तो शांति का कोई मूल्य नहीं होता। जब तक दुख ना मिले तो सुख का भी कोई मूल्य नहीं होता है, जब तक गरीबी ना झेलो तो अमीरी का भी मूल्य दिखाई नहीं देता है। पैदल चलने के बाद कार में बैठने का आनंद एहसास होता, ठंडी लगने के बाद रजाई का सुख एहसास होता है, प्यास लगने के बाद पानी का महत्व पता चलता है और कड़ी भूख लगने के बाद भोजन की कीमत पता चलती है। इसलिए माताओं बहनों से कहूंगा कि बार बार अपने पति को कुछ मत खिलाया करो, इसको भूखे होने दो, फिर तुम जैसा भी उल्लुल जुल्लुल भोजन बनाओगी इसको टेस्ट आएगा, क्योंकि टेस्ट भोजन में है ही नहीं, टेस्ट तो भूख में होता है। और ये भी कहूंगा माताओं बहनों से, उनकी भाषा में वही बोल गया मैं, कोई बात नहीं इनकी जीत है, इन्होंने कुछ ऐसा जंतर मंत्र किया, इनकी भाषा बोल रहा हूं। ये जिंदगी में पहली बार बोला मैं स्त्री लिंग बोल गया, ख्याल ही नहीं रहा करूंगी करूंगा क्या होगा। माताओं बहनों से कहूंगा कि अपने पति को इतना प्रेम से भोजन खिलाओ जिससे कि वो आपका पति होटल में जाने ना पाए, क्योंकि जिसका पति होटल में पहुंच गया तो धीरे धीरे वो बोतल में पहुंच जाता, फिर भी अगर रोक नहीं पाए तो फिर वो टोटल में पहुंच जाता है। इसलिए इनको थोड़ा होटल से बचाओ, ऐसे चाटवाट के ठेला लगे हो वहां खा लो, साथ में तुम भी खा लो चाटवाट, चाट भी कभी कभी आपका खाने का मन होता खा लीजिए, लेकिन हमको अच्छा नहीं है वहां ठेला पर खड़े होकर चाट खाना, हम लोगों को नहीं, तुम्हारे लिए छूट है इतनी, क्योंकि हमारे बहुत से भक्त चाट वाले हैं, चाट खाना मना कर दूं तो चाट वाले की चटाई भी बिक जाएगी, थोड़ा उनका थोड़ा सोना चांदी भी पहनने की इच्छा हो पहन लीजिए, कोई हर्ज नहीं। पुरुषों के लिए भी छूट देता हूँ, एक चैन पहन सकते हो 500 ग्राम वजन चैन पहन, आधा किलो। मैं दुबई में गया था सत्संग करने तो वहां 1-1 किलो के सोने के हार बिक रहे थे, सोने की मार्केट में हमारे भक्तों की दुकानें थी, तो उन्होंने दिखाया तो 1-1 किलो सोना के हार यहां से पहनो यहां तक पूरा। तो मैंने सोचा एक हार ले लो, तो उसका कीमत पूछा वो करोड़ों में था, तो मैंने कहा बिल्कुल मत लो, फोटो खींच लो बस छुट्टी। मोबाइल में फोटो खींच लिया बस, एक रुपया भी नहीं, देखना ही है तो क्या फर्क उसमें, पहनना तो था नहीं और लेना भी नहीं था क्योंकि जरूरत नहीं है,
लेकिन मातों बहनों को भी थोड़ा सा सोना पहनाइए, कान में कुंडल, ये कभी काम आ सकता है। जब सीता का हरण हुआ तो राम बहुत दुखी हुए, स्वाभाविक है। जिसका मिलन सुखद होता है उसका वियोग दुखद हो जाता है। सीता के मिलने से राम को सुख एहसास होता था, इसलिए सीता जी का जब वियोग हुआ तो राम दुख में डूब गए। जिस नारी को अपने पति के साथ में प्रसन्नता और सुख एहसास होता है तो पति का वियोग उसके लिए बहुत दुखदायी हो जाता है। जिस पुरुष को अपनी पत्नी से दुख लगता है तो उसकी पत्नी जब मायके चली जाती है तो पति को सुख लगने लगता है। कम से कम 10 दिन के लिए तो छुट्टी मिल गई, चंडिका देवी से चली गई, अच्छा है, पिंड छूट गया। बहुत बड़ी बात, व्यवहार ऐसा करो जो तुम्हारे वियोग में लोगों को दुख होना चाहिए, मिलन में सुख होना चाहिए। और जिसके मिलने में दुख होता है उसके बिछुड़ने में सुख लगता है। और ये संसार मिलन और वियोग का प्लेटफार्म है। जन्म मरण हानि लाभ मिलन वियोग, ये संसार का नियम है। सीता जी का सुंदर स्वभाव राम के मन को जीत चुका था, और सीता जी को जब रावण हरण करके ले गया, इसलिए नारी को अगर सुरक्षित रहना हो तो उसके साथ में किसी पुरुष का होना आवश्यक होता है। लक्ष्मण जी अगर होते तो रावण हरण नहीं कर पाता। अगर कोई पुरुष ना हो आपके साथ फिर भी आप चाहते मेरी सुरक्षा हो तो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिए। लक्ष्मण रेखा क्या है? नियम की रेखा, मर्यादा की रेखा, धर्म की रेखा, ये लक्ष्मण रेखा है। और लक्ष्मण रेखा के अंदर तो साधु को भी रहना चाहिए, साधु भी अपनी मर्यादा में रहे। मर्यादा तोड़ करके व्यवहार बर्ताव ना करें, मर्यादाओं का उल्लंघन करके साधु को किसी के साथ में संबंध नहीं करना चाहिए। शरीर साधु नहीं है, आपने जो मर्यादाओं का पालन किया है, जो नियम संयम किया है, जो त्याग तप किया है, उसी का नाम साधुता है। ये शरीर थोड़े कोई साधु होता। अब ये शरीर को सफेद लाल कपड़ा पहना दिया तो एक वेशभूषा यूनिफार्म रखना पड़ता ताकि लोग समझ जाएं संत है। बाकी ये कपड़े पहन करके भी हम लफड़े खत्म न कर पाए तो संसार को धोखा देना है। इसलिए मैं संसारियों से कहता हूं, चार पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है, और साधु भेष में हर व्यक्ति साधु नहीं होता। और माला पहना हुआ हर व्यक्ति महान भक्त नहीं होता है। और ये भी याद रखना, पेंट शर्ट साड़ी सलवार में हर महिला खराब नहीं होती है, इसमें देवी और देवता भी छिपे रहते हैं। उनको पहचानिए और उनको धन्यवाद दीजिए। कितनी माताओं बहनों के ऐसे ऐसे नियम हैं, विचार हैं, जिसमें मेघनाद का हाथ कटा और सुलोचना के सामने आकर गिरा। सुलोचना ने चिंता जताई कि मेरे पति का हाथ कट कर आया है, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध चल रहा था। तो सुलोचना ने अपनी सखियों से कहा, ये लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध नहीं है, ये 2 सतियों का युद्ध है, हमारे पतियों का युद्ध नहीं। एक सती मैं हूं और दूसरी सती उर्मिला,
जो अविद्या में बैठी हुई तप कर रही है। उर्मिला जैसी सती नारी का पति लड़ रहा है उधर से, इधर सुलोचना का पति लड़ रहा है। ये सतियों का युद्ध, और उर्मिला से ज्यादा मेरे पास सतीत्व है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है मेरा पति गलत आदमी का साथ दे रहा है। इस माइनस पॉइंट के कारण मेरे पति की हार हो रही है। फूलों की माला गूंथ रही थी सुलोचना, तो गीत गाती है। गा दूं जो सुलोचना ने गाया था, एक कड़ी है। गूंथू फूलन की माला, मेरे प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, मेरे आधार तुम ही हो। गूंथू फूलन की माला, मेरे प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। नारी शक्ति का प्रभाव उसके पति के ऊपर भी पड़ता है, पुत्र की तपस्या का प्रभाव पिता को भी प्राप्त होता है, शिष्य की सच्ची तपस्या का प्रभाव गुरु को भी प्राप्त होता है, और गुरु के तप का प्रभाव शिष्य को प्राप्त हो जाता है, और पुरुष की तपस्या नारी को भी तेजस्वी बनाती है। और इस दुनिया में कृष्ण भगवान ने तप की बड़ी सरल परिभाषा किया है। उन्होंने कहा है, धर्म के लिए कष्ट सहना ही तप है। एक सिंपल सी बात बताती है। अब धर्म क्या है? मानव धर्म, हिंदू धर्म, नारी धर्म, पुरुष धर्म, शिक्षक धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, बेटी का धर्म, बेटा का धर्म, माँ बाप का धर्म, ड्राइवर का धर्म, सबके साथ में कितने धर्म जुड़े हैं। हिंदू होना भी धर्म है। हिंदू जितने धर्म इस संसार में है मैंने देखा है, उसमें बहुत सुंदर धर्म हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म के जो नियम हैं ये बहुत अच्छे हैं, मर्यादा भी है। हिंदू धर्म में साधु संत का भी स्थान है, हिंदू धर्म में भक्ति का बहुत बड़ा स्थान है। हिंदू हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति, आपकी संस्कृति भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं हिंदू धर्म को भी नमन करता हूँ, हिंदुस्तान को धन्यवाद देता हूँ, और हिंदी भाषा को भी स्वीकार करता हूँ। कितनी सरल भाषा, इतनी मीठी भाषा, इतनी मृदुल भाषा, कोई भी सहज भाव से सीख सकता है। और हिंदी में कोई गीत गाओ कितना आनंद आता है, ये इंग्लिश में गाओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मजा ही नहीं आता, लेकिन हिंदी में गाओ कितना अच्छा लगता है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। सोचिए, विचारिए, ये हिंदी का रस है, इस भाषा में बहुत रस है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो जितनी कविताएं होती थी हिंदी में, सब हम पहले ही गर्मियों की छुट्टी में याद करके गाते रहते थे, सब कविता टोटल। और हिंदी भाषा बहुत प्रिय है। बाकी भाषाएं हमारे देश के अंदर बहुत सी हैं, गुजराती है, मराठी है, मालवा वाली है, हाड़ौती है, लेकिन वो सब छत्तीसगढ़ी है, लेकिन वो भाषाओं में थोड़ा सा चोट है, इतना कोमलता नहीं है। पर हिंदी बहुत सरल मृदुल भाषा है, और मैं तो कहूंगा कि तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। दूसरा तुम्हारा ये सौभाग्य है हिंदुस्तान में भी
जिसका जन्म मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में और पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और झारखंड बिहार में हो, वो ज़्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि बहुत उधर जाओ तो भक्ति वक्ति थोड़ा कम है, समझते लोग हैं, और यहाँ ज़्यादा समझदारी है। फिर मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, कुछ पूछो मत, मध्यम मार्ग मध्य प्रदेश। यहाँ न गर्मी ज़्यादा है न ठंडी ज़्यादा है, यहाँ के लोग न क्रोधी ज़्यादा है न दयालु ज़्यादा है, ज़्यादा गलती करो थोड़ा पीटेंगे भी, फिर छोड़ भी देंगे। उत्तर प्रदेश से बढ़ जाओ उधर, तो उधर गलती करो तो पीट के ख़त्म ही कर देंगे। मध्य प्रदेश में मध्यम हो जाता है। धन्यवाद है सभी श्रोताओं को, तुम किस्मत वाले हो। और जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ, यदि उस घर में पहले से भक्ति है, तो ये तुम्हारा तीसरा सौभाग्य है। और जिस गांव में जन्म हुआ है, जिले में जन्म, वहां अगर कोई महान साधु संत आते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, तो ये तुम्हारा चौथा सौभाग्य है कि सहज मिल गया सत्संग। ये मिलता नहीं सत्संग, अच्छे महान संत नहीं मिलते। महान संत से भेंट हो जाए। मैं कक्षा 9th से संत गुरु ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, बड़ी मुश्किल से ढूंढे मिले गुरु जी, क्योंकि ये वहरे गहरे नथु खैरे वगैरह में पड़ जाओ तो कोई मतलब नहीं। फूटी नाव पर बैठो, नाव भी डूब गई, तुम भी डूब गए, क्या मतलब निकला। वो जो सेटिंग करने के लिए डिब्बे खड़े हैं स्टेशन पर ना, उसमें बैठ लो, महीना भर खड़े रहेंगे तो वहीं तुम बैठे रहो। चालू होना चाहिए, होशियार गुरु। गुरु कैसा हो, लोग कहते हैं चाहे जैसा हो, अरे ये गुरु खेल नहीं है, गुरु करो जान के पानी पियो, छान के ये पचड़े में मत फंसो। और गुरु का जिंदगी में बहुत महत्व, गुरु का मतलब है वह चाबी जो हमारी जिंदगी के सुख शांति का ताला खोलती है, उस चाबी का नाम गुरु होता है। अब धीरे धीरे गुरुओं ने क्या ठगई विद्या शुरू कर दी, वो बोलते हैं अरे बस माला पहना दो, कान में कुर्र कर दो, हो जाएगा, फिर बाकी जैसे हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। गुरु मंत्र लेने के पश्चात जिंदगी भर गुरु का ज्ञान लेना पड़ता है, और जिंदगी भर उनके प्रवचन सुनने पड़ते हैं, और इस चंचल मन को वश में करने के लिए गुरु का रोज ध्यान करना पड़ता है। और गुरु ऐसा होना चाहिए आपकी लाखों समस्याओं का समाधान अपने प्रवचन में करे, और साथ साथ में हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधार दे, उसी का नाम सदगुरु होता है। धन्य हो तुलाराम, एक बार और खड़े रहो, ये नाचते भी बहुत अच्छा है, ये नाचते तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं सोचता क्या दोनों आंख फोड़ना चाहता है। और कभी मुक्का करके ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा ये कूट भी देगा। इनका डांस अभी आरती होगी देखना, इनके नाचने भर की जगह ही नहीं यहां है, बहुत अच्छा। अभी यही आयोजक थे पिछले, शिवपुरी जिले में बैराट तहसील में मुख्य आयोजक ये थे, श्री तुलाराम यादव डॉक्टर साहब। दो बेटे आपके पुलिस में हैं, एक बेटा इंजीनियर है दिल्ली में, और चौथा बेटा भी पुलिस में सिलेक्ट हो रहा है। ये बहुत महान व्यक्ति, छोटा मोटा आदमी नहीं, क्या धन्य हो। प्रोग्राम इन्होंने किया था बैराट में, मैं वहीं से आया हूँ यहाँ, इनका प्रोग्राम 14-15-16 को था। गुरु के इतने दीवाने हैं 500 किलोमीटर प्रवचन सुनने जाते हैं, 500 किलोमीटर तक ऐसा। और ये मंडल अध्यक्ष भी रहे पॉलिटिक्स में, सरपंच भी रहे, और भक्ति में भी नंबर 1, ये जिसमें लगते हैं टॉप कर देते हैं।
साहिब बंदगी साहिब बंदगी बैठो। रघुपति राघव राजा राम नाच रहे हैं तूला राम पता न पावे सीता राम रघुपति राघव राजा राम शाम हुई तो 200 ग्राम पता न पावे सीता ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम। ये महात्मा गांधी का बहुत अच्छा मंत्र था, इसको गांधी जी हमेशा बोलते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। पर कोई सुना नहीं, समझा नहीं, माना नहीं, ना हिंदू माने ना मुसलमान माने। अगर ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम है तो मस्जिद में सब हिंदुओं को जाने की छूट मिल जाए और जाने का मन हो जाए। अगर ईश्वर अल्लाह तू ही है तो मंदिर में आकर के मुस्लिम आरती करने के लिए तैयार हो जाए, तब समझ लो ये ज्ञान गले उतरा है। अन्यथा केवल मुंह से बोल रहे हो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वो समझता ये दो नाम है, ईश्वर अलग है अल्लाह अलग है। परंतु ये ज्ञान इतना जल्दी होगा नहीं, आत्म ज्ञान है, विषय बहुत बड़ा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति अंगुष्ठ मात्र पुरुषा आत्मनि तिष्ठता ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते यतत वै तत् एनम रूपम रसम गंधम शब्दान अस्पर्शात मैथुनान। कठोपनिषद का ऋषि कहता है जिसके अनुग्रह से सब विषयों का हम ज्ञान करते हैं वह वही परम तत्व है जिसके द्वारा सब जाना जाता है, ये वही है आत्मा जिसके बारे में नचकेता तुमने पूछा है। यमराज कहते हैं ये आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा इससे अलग नहीं है। ये कठोपनिषद में बताया है नचकेता को, यमराज ने उत्तर दिया है। और ये सूत्र अगर समझ में आ जाए कि आत्मा में परमात्मा है तो तुम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकोगे, किसी की जेब न काट सकोगे, क्योंकि जिसकी जेब काटने जा रहे वो भी तो परमात्मा है। फिर किसी के साथ छल कपट भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि छल कपट करने जा रहे वो भी तो परमात्मा है। ये छोटा सा सिंपल सा फार्मूला लोगों के समझ में, उपनिषद का फार्मूला आ जाए तो लोगों को बहुत बड़ी सद्बुद्धि मिल जाएगी। और श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो अर्जुन कहते हैं फिर कृष्ण तुम कौन हो? अरे भले फालतू बात मत कर, ईश्वर सबके हृदय में बैठता है। और कबीर साहब यही बात कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। आपके ससुर के अंदर भी तो वही राम है, इसलिए बूढ़े ससुर को ठुकरा कैसे सकते। एक नवयुवक ने विवाह किया, उसकी पत्नी आई, पत्नी ने समझाया कि आपकी सेवा तो कर लूंगी, बच्चों की कर लूंगी, लेकिन ये तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो, वहाँ 2000 महीना दे देना पैसे, इनको वहाँ छोड़ दो। तो उस स्त्री का पति उनको वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया, आज्ञाकारी पति था, छोड़ आया। कोई गलत आज्ञा दे ये तो बिल्कुल गलत बात है। छोड़ आया और लौटा तो लेडीज का मोबाइल गया कि छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। बोले दीपावली होली त्योहार में भी आने के लिए मना कर दिया? बोले नहीं मना किया। बोले वो आ जाएंगे दिवाली होली में, फिर इधर पूरा मना कर दो कि उधर ही हम भेज देंगे मीठा पकवान, वहीं रहे। तो फिर वो मना करने गया तो वहाँ उसने देखा क्या, उसके बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ में खिलखिला कर हंस रहे थे। उसने मन में सोचा था वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ दिया हूँ तो दुखी होंगे, रो रहे होंगे, नहीं नहीं वो हंस रहे थे। तो उनको हंसते हुए देखा और मैनेजर भी हंस रहा था। तो उस लड़के ने पूछा, पिताजी क्यों हंस रहे हो, आपको तो दुख होना चाहिए, आपको यहाँ छोड़ दिया। बोले बेटा हंसी रुकती ही नहीं, बहुत हंसी आ रही। बोले क्यों आ रही?
मैनेजर से पूछा, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, आपस में बातें कर करके खिलखिला रहे हो? मैनेजर बोला, बात तो एक ही है पर हंसते हम तीनों हैं, तेरे बूढ़े माँ बाप में तीनों हंस रहे हैं। बोले, बात क्या है? बात है, बात भी तेरी ही है, और कौन सी बात? बोले, मेरी बात को करके हंसते हो तो क्यों हंसते हो मुझे? अरे बोले, तुझे नहीं हंसते, तेरी बात को हंसते। बोले, क्या बात है ऐसी हंसने वाली? बोले, ले सुन ले बात तो। बोले, ये वृद्धा अनाथ आश्रम है, इस अनाथ आश्रम में तुझको कोई छोड़ गया था, तू छोटा था 2 साल का, कोई फेंक गया था, डाल गया था, तो ये बूढ़े दोनों माँ बाप तेरे को ले गए थे, पालन पोषण करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया, शादी किया, अब तू इतना नालायक निकला कि इन बूढ़ों को तू इसी अनाथ वृद्धाश्रम में छोड़ गया, इसलिए हंस रहे थे तुम लोग। जिस अनाथ बालक को सनाथ कर दिया, उस सनाथ बालक ने अपने माँ बाप जो सनाथ थे उनको अनाथ कर दिया, इसलिए हंस रहे थे कि बड़ा स्वार्थी संसार है। तो उस बालक को जरा ठेस लगी, बोले, मैं यहां वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, मैं 2 साल की उम्र में। बोले, तेरे को कोई फेंक गया था यहां? हाँ, तो ये ले गए थे पालन पोषण। बोले, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर मैं मर जाता तो क्या होता? चलो पिताजी वापस चलो, माँ चलो। उसके माता पिता ने कहा, बेटा अब तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि अब बस जो भी दुख सुख होगा यहीं उठाऊंगा। तू ले भी जाएगा लेकिन तेरी वाइफ मुझे अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाई, इसलिए बार बार घर में खटर पटर हो, उससे बेहतर है यहीं पड़े रहेंगे। निराश होकर, दुखी होकर वो बेटा घर आया, अपनी पत्नी को समाचार सुनाया, तो पत्नी ने कहा कि गलती तो जरूर हुई है, क्योंकि अगर वे तुम्हारा पालन पोषण ना करते तो तुमको पढ़ाते लिखाते ना, बड़ा ना करते, तो तुम जैसा पति हमको कहाँ से मिलता? गलती हो गई। पति पत्नी दोनों गए क्षमा मांग करके, उन दोनों वृद्धों को पैर छूते हैं और माफी मांगते कि चलिए आप पधारिए, गलती हो गई। दोनों बूढ़े हंसते हैं और कहते हैं कि जो भी भाग्य में लिखा है वो सब हो रहा है, कोई चिंता नहीं, आप लोग जाओ, मौज करो, सुखी करो, और तुम्हारे भी बहू ऐसी आएगी, तुमको भी इसी आश्रम में लाकर छोड़ेगी, बस जाओ जाओ। जो बो रहे हो वही काटोगे, ये माँ बाप के साथ ज्यादा गलतियां करोगे, सताओगे, वो सब फल आपके सामने आएगा। अपनी बहू को, बेटों को ज्यादा सताओगे, दुख दोगे, तो याद रखना पूरा जिंदगी, अगला जन्म नरक में पड़ेगा जाकर। इसलिए बेटे बहू को भी दुख मत, कितने माँ बाप बेटे बहू को भी बहुत दुख देते हैं, उनका हिस्सा नहीं देते हैं। वो कहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तो फूटी कौड़ी लेने के लिए तेरी हत्या कर दूं क्या, पागल कहीं का? अरे पैदा कर दिया, पत्नी आ गई, 2-4 बच्चे हैं, इनका खर्चा कैसे चलेगा? कुछ हिस्सा तो दे दो, 2-4-5 बीघे, मैं हिस्से में 20 बीघे जमीन है तो कम से कम 15 बीघे दे दो, 5 बीघे ज्यादा रख लो उसकी, लेकिन कुछ उनको प्लेटफार्म तो मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, मेहनत करने का। ये भिकमंगा बनाकर छोड़ दिया बेटे बहू, बहुत गलत बात है। माँ बाप को भी ऐसा दुर्व्यवहार बेटे बहू के साथ नहीं करना चाहिए, और सासुओं को भी अपनी बहुओं को सताना नहीं चाहिए। थोड़ी थोड़ी गलती भी हो माफ कर दो। अगर आपकी बहू ज्यादा तेजो तर्रार है, उन्नति बहुत करना चाहती, क्योंकि बहुत स्त्रियां इसलिए दुखी है, इसको उन्नति करने का चांस नहीं मिल रहा, ये रो रो कर जीती है, निशुस निशुस कर जीती है, मैं क्या करूं, बहुत फंस गई यहां ससुराल। लेकिन ऐसा मत करो उसके साथ, उसको चांस दे दो, चलो बढ़ो आगे, पति पत्नी डेवलपमेंट करो, आगे बढ़ने दो उनको। अपने सास ससुर को भी दुखाओ मत, कोशिश करो मेरे सास ससुर को रोटी मैं ही खिलाऊं। लोग कुत्ते को रोटी दे देते हैं, मछलियों को आटा दे देते, चिड़ियों को दाना चुंगा देते हैं, धिक्कार है तुमको, जिनके माँ बाप ने 20 एकड़ जमीन दिया है,
धन दौलत दिया है, मकान दिया, दुकान दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया है, पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया है, उनको उन्हीं की प्रॉपर्टी से दो रोटी नहीं दे सकते हो, दो धोती नहीं दे सकते हो, तुमको धिक्कार है ऐसे मक्कार लोगों, प्रेम से खिलाइए उनको। और ये भी याद रखना, जो भी हम कार्य दूसरों के साथ करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका कर्म फल सब हमको ही मिलेगा। अन्यथा एक साथ में जन्मे हुए चार सगे भाई, उनके भाग्य में इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है? ये डिफरेंस का कारण यही है सिर्फ, और कुछ नहीं। याद रखना, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, उसके बाद विराम भी दे दूंगा। एक राजा ने एक साधु से पूछा कि एक ही मुहूर्त में, एक ही क्षण में जन्मे हुए लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? उस साधु ने कहा, मुझे इतना ज्ञान नहीं, आप इसका उत्तर चाहते हैं तो पूरब दिशा में एक पहाड़ है, वहाँ जाइए, वहाँ एक महात्मा बैठा, उत्तर दे दे। राजा वहाँ गया, वहाँ पूछा तो उस महात्मा को देखा तो आग जो है बुझा करके उसको खा रहा। राजा ने सोचा ये तो कुछ पागल टाइप का लग रहा है, ये उत्तर क्या देगा? पूछा कि भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है, एक साथ एक मुहूर्त में लोग जन्म लेते हैं? तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम है, आप एक ऊंचे पहाड़ और उस पर चले जाओ, वहां तीसरा साधु मिलेगा। तो वहां गए, वहां देखा एक साधु बैठा अपना शरीर का मांस नोच कर खा रहा। उससे पूछा, बोले तो पूरा पागल लग रहा, आप नहीं मांस नोच के खा रहे, ये उत्तर क्या देगा? लेकिन उसने कहा, उत्तर उत्तर यहाँ कुछ नहीं, उत्तर लेना है तो पहाड़ से नीचे उतर, नीचे उतर। बोले नीचे उतर कर कहाँ जाऊँ? दो तीन साधुओं ने तो बताया पहाड़ पे छोड़ो, फिर तुम बोलते नीचे उतर, तो नीचे तो पहले था ही। बोले ये नीचे उतरो, नीचे एक गाँव है, वहाँ एक 8 साल का बालक है, बहुत दिनों से बीमार है, वो आपका उत्तर देगा, वहाँ जाओ। राजा वहाँ पहुँचा, गाँव में ढूंढा कौन 8 साल का बालक है जो बहुत बीमार है, तो उसके घर गया। वो घर जा कर के वहाँ पूछा उस बालक से, तो बालक राजा को देख कर हंस कर बैठ गया, बोला वाह आप आ गए, आपके उत्तर के लिए ही मैं जीवित हूँ, बाकी मुझे मरना है, बहुत बीमार हूँ। बोलो पूछो। पूछा कि एक ही मुहूर्त में जन्मे हुए लोग उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? सगी बहनों का भाग्य जुदा जुदा क्यों? सगे भाइयों का भाग्य जुदा जुदा क्यों? जुड़वा बच्चे पैदा हुए उनका भी भाग्य पृथक पृथक क्यों? और भाग्य भी बड़ी विचित्र चीज होता है, वो तुम कितनी अच्छी जगह पर पहुंच जाओ, इधर उधर करके उठाकर फिर पटक देता है नीचे ले जाकर। जिसका प्रचंड भाग्य है, प्रचंड किस्मत है, प्रखर प्रारब्ध है, वो आदमी अगर गलती करना चाहे तो भी उसका भाग्य उसको गलती करने नहीं देता, उसको सुधार के फिर सही रास्ता बताता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और भाग्य अनेक जन्मों के सत्कर्मों के द्वारा तैयार होता है। कल मैंने बताया था ना एक प्रसंग आपको, ध्रुव वाला, सपने उदान दीन कछु नहीं। तो उस बच्चे ने बताया कि राजा साहेब, एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे, चारों राजकुमार थे, चारों जंगल घूमने गए, सैर करने गए, एक सरोवर था, वहाँ भूख लगी कि उनके कर्मचारी साथ में थे, वो आटा मांग कर लाए, वहाँ उन्होंने बाटी बनाया, भौरिया बनाया, और खाने के लिए जब चले तो एक भूखा व्यक्ति आया और बोला मुझे दे दो। तो जो बड़ा राजकुमार था उसने कहा, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं नहीं दूंगा। वो पूरी बाटी अकेले खा गया बड़ा राजकुमार। जो सेकंड नंबर का था उसने कहा कि तुमको दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा, उसने भी दिया नहीं, वो पूरी बाटी खा लिया। थर्ड नंबर का जो राजकुमार था उसने कहा कि तुमको दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा, मैं भी तो भूखा बहुत हूँ, उसने भी पूरी बाटी खा ली, दिया नहीं। लेकिन चौथा जो छोटा राजकुमार था उसने कहा कि आधी बाटी तुम खा लो, आधी हम खा लेंगे, तो आधी उसको दे दिया, आधी खा लिया। तो ये चारों कोई और नहीं थे,
वो सबसे बड़ा जो राजकुमार था, वो जो पहले संत मिला था पहाड़ पर, जो आग बुझा बुझा कर खा रहा था, वो वही है राजकुमार की आत्मा, जिसने कहा था कि तुमको खिला दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा, वो है। और दूसरा वो राजकुमार जो कहा था कि मैं क्या अपना मांस खाऊंगा, तो अपना मांस नोच कर खा रहा है। और तीसरा मैं था, मैंने कहा था तुमको खिला दूंगा तो क्या मैं भूखों मरूंगा, तो मेरे ऐसा रोग हुआ है कि मैं खुद खा ही नहीं सकता, भूखों ही मर रहा हूँ, वो मैं हूँ। और चौथे आप हैं, आप राजा बने हैं, आपने आधी बाटी खिलाया था, उसके पुण्य से आप राजा हुए हैं, और हमारी तीनों की दुर्दशा तो देख ही रहे हो। ये भाग कहां से निर्णय लेता है, बहुत गजब की चीज। आप माँ बाप से छुप करके गलतियां कर सकते हो, खुद से छुपना चाहते हो, किसी से छुप करके किसी के साथ गलत काम कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, चपारी कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये सब करने से आपका भाग्य बिगड़ जाएगा और आप एक साधारण जिंदगी जियोगे, ठोकर खाओगे। इसलिए मैं कहूंगा गलत काम मत कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सात्विक कार्य कीजिए, देखिए आपके भाग्य का सितारा सूरज की तरह चमकेगा। भाग्य का निर्माण भगवान नहीं करता है, भाग्य का निर्माण तुम स्वयं करते हो। भगवान इस झंझट में पड़ता ही नहीं है कि इतने नर नारी इनका भाग्य बनाएगा तो कितना बड़ा ऑफिस रखना पड़ेगा, सोचो बड़ा लिखा पड़ी सब रजिस्टर, और फिर उसको भी कंप्यूटर रखना पड़ेगा, उसमें भरवाओ सब, ये कुछ लफड़े में नहीं फंसता है। चित्त के अंदर गुप्त संस्कार एकत्र होते हैं, चित्त गुपित्र तुम्हारे दोनों कंधों पर बैठे वही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना पड़ जाता है। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया था कि सीता जी का हरण हुआ, वहां से शुरू किया था, वो छूट गया थोड़ा। सीता जी के कान के कुंडल नीचे गिर गए, सीता ने गिरा दिया होगा, वो कुंडल सुग्रीव को मिले और सुग्रीव ने कुंडल देखा, और राम और सुग्रीव का जब मिलन हुआ तो सुग्रीव ने राम को कुंडल दिया, कहा देखो कि आपकी धर्मपत्नी की कुंडल है क्या ये। राम ज्यादा विह्वल थे, उनके समझ में नहीं आया, ज्यादा दुखी हो तो समझ में नहीं आता, तो उन्होंने लक्ष्मण को कुंडल दिया, कहा आप पहचानो ये कुंडल किसके हैं, क्या सीता जी के हैं। तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने लायक है, क्या जवाब है। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। कितनी बड़ी बात। मैंने तो चरण, हे राम मेरे को कुंडल पहचानने के लिए तुम जो दे रहे हो, मेरी भावना सुनो क्या है, मेरी साधना क्या है। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। राजेंद्र धन्य हो, डीएसपी कॉलेज इंद्रगढ़ के प्रिंसिपल साहब है राजेंद्र खड़े हो, ये बचपन के मेरे भक्त हैं। देखिए बहुत योग्य हैं ये छोटे थे तब इनके यहां में गया था शिवपुर जिला है बार। धन्य बैठो, इंद्रगढ़ के प्रवचन में ये सबसे ज्यादा मदद करेंगे, इंद्रगढ़ वाले इनको जोड़ लेना। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। लक्ष्मण कितनी ऊंचाई से बोल रहे हैं, लक्ष्मण की साधना एक साधारण साधु से और ऊंची साधना है।
जो घरवार छोड़ करके साधु हो जाता है उसकी भी दृष्टि शायद इतनी पवित्र हो पाती हो। महान संत की तो बात छोड़िए, लेकिन सामान्य संत इतना महान, देखिए लक्ष्मण क्या एक संत रूप ही है, ये संत की दृष्टि। लक्ष्मण कहते हैं सीता जी के कान नहीं देखा प्रभु मैंने, आप कुंडल की बात कर रहे हैं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं। जितने दुनिया के देवर हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश लक्ष्मण दे रहे हैं कि जो आपकी बड़े भाई की पत्नी है उसका कितना ऊंचा स्थान होता है, उसके प्रति तुम्हें क्या दृष्टि रखनी चाहिए। ये भाभी मनोरंजन का साधन नहीं है, भाभी का स्थान माँ के समान होता है, माता के देखे कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं। मुझे आगे गाने दो, तुम पीछे से गाना, नहीं तो आला हो जाए। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। राम बहुत दुखी हुई कि लक्ष्मण तो इतना महान है, इसने कान ही नहीं देखे तो कुंडल की पहचान ही नहीं, अब ये कुंडल कौन पहचानेगा। लक्ष्मण के शब्दों को सुनकर के राम की विह्वलता कम हो जाती है, व्याकुलता कम हो जाती है और उनको ऐसा लगता है मेरे साथ लक्ष्मण है, अब सीता को खोजने का लक्ष्य भी पूरा होने वाला है। क्योंकि लक्ष्मण इतना महान है, कुंडल की पहचान हो ना हो लेकिन सीता की खोज हो जाएगी। मेरे साथ एक महान व्यक्ति राम की मन की स्थिति थोड़ा ठीक हो जाती और वे खुद कुंडल पहचानते, कहते हाँ ये मेरी भार्या सीता की कुंडल है। सुग्रीव ये कहाँ मिले तुम्हें, कैसे मिल गए कुंडल, ये आकाश से गिरे थे राम, तो कौन गिराया। बोले एक नारी विलाप करती हुई जा रही थी इस दिशा में, चलो इसी दिशा में खोज करते हैं। आगे चल करके गीधराज जटायु से भेंट होती है, जटायु ने भी समाचार बताया कि मेरे प्राण तो आपकी गोद में छूट जाएंगे। देखिए जटायु तड़फ रहा है लेकिन राम के दर्शन पाकर खुश हो रहा है, लेकिन राम जटायु की भक्ति को देखकर रो रहे हैं। एक नारी के सम्मान को बचाने के लिए जटायु ने अपने जीवन को बलिदान किया है, लेकिन जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह भी देख रहे थे और उसको ब्रेक नहीं लगा पा रहे थे, नारी का सम्मान नहीं बचा पाया, तो भीष्म पितामह जब सरसैया पर मरने के लिए पड़े थे तो कृष्ण भगवान उनकी सरसैया के समीप खड़े होकर हंस रहे थे। देखिए भीष्म पितामह मरने जा रहे हैं, सरसैया पर पड़े हैं, कृष्ण पास में खड़े हंस रहे हैं और जटायु मरने जा रहा है, जटायु हंस रहा है लेकिन राम भगवान उसके लिए रो रहे हैं। याद रखना जिसने नारी का सम्मान बचाया है उसका नाम जटायु है, उसके लिए भगवान भी रो रहा है लेकिन वो हंस रहा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आज भीष्म पितामह ने नारी के सम्मान को नहीं बचा पाए इसलिए सरसैया पर पड़े रो रहे हैं लेकिन भगवान हंस रहा है। अरे दुष्ट, तू अगर ताकत लगा देता तो द्रौपदी का अपमान करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए याद रखना नारी के सम्मान में जटायु की तरह समर्पित हो जाना चाहिए। प्रसंग तो बहुत लंबा है लेकिन टाइम खत्म हो चुका है इसलिए विराम होने जा रहा है। आज एक दोहा याद करके जाइए, क्या संगति से सुख उपजे कुसंगत से दुख हो, कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति हो। हो साहिब आरती हो।
ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयो परख परकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो। प्रेम से बोलिए सतगुरु असंग देव की जय।